हम चांद के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे, पर अपोलो 11 एक पहला मिशन था जिसके चलते इंसान ने पहली बार चांद पे कदम रखा। और ऐसी कई थ्योरीज यानी सिद्धांत निकाले गए जो चांद के कई रहस्यों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। नवंबर 1969 में नासा के अपोलो मिशन में उन अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद के ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ा था, मतलब एक सैटेलाइट को चांद की सतह से जानबूझकर टकरा के कुछ क्षेत्र तक एक क्रेटर बनाने की कोशिश की गई थी। जब उस सैटेलाइट और मून का कांटेक्ट हुआ और ये क्रेटर बना, तब बिल्कुल एक बेल यानी एक घंटे की तरह चांद का सतह कई दिनों तक वाइब्रेट करता रहा। ऐसा मानो कि कोई सैटेलाइट एक ऐसी चीज से टकराई हो जो अंदर से खोखली हो, बिल्कुल एक घंटे के जैसी। अगर चांद एक नॉर्मल सॉलिड सी बॉडी होती तब ये कभी नहीं होता। इस चीज को देखकर साइंटिस्ट्स पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि चांद अंदर से पूरी तरह से खोखला है। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, हमने आज तक चांद के बारे में जो भी माना है शायद वो गलत है। चांद के बारे में कई बेसिक सी चीजें हैं जो हम नहीं जानते और आज तक हम लोग इसे समझने में असमर्थ रहे हैं। चांद की खोखला होने वाली बात तो आप लोगों ने जान लिया, पर वर्षों गुजर गए पर चांद आखिर बना कैसे, इसे आज तक कोई साइंटिस्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कोई बड़ी सी बॉडी जब धरती से टकराई तब चांद बना, पर इस सिद्धांत में प्रॉब्लम ये है कि चांद और धरती की कॉम्पोजिशन बहुत अलग है, मतलब चांद का सतह और उसका अंदर का भाग धरती से बहुत ज्यादा अलग है। और कई साइंटिस्ट्स ये भी कहते हैं कि कोई गोल सी बॉडी स्पेस में धरती के करीब से गुजर रही थी, तभी धरती ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और वो तब से धरती के चारों ओर घूमने लगा। पर चांद धरती से सिर्फ 4 गुना छोटा है, और अगर हम चांद के साइज को देखते हुए बात करें तो प्रैक्टिकली ये असंभव है कि किसी गुजरती हुई बॉडी को धरती अपने तरफ खींच ले। ये किसी भी प्रकार के एस्ट्रॉइड से बहुत ज्यादा बड़ा है। साइंटिफिकली एस्ट्रॉइड्स को तो धरती आराम से खींच लेगी, पर चांद को नहीं खींच सकती। इसलिए कई साइंटिस्ट्स का ये भी मानना है कि मून की नेचुरल सैटेलाइट वाली बात बिल्कुल गलत है, मतलब मून को किसी दूसरे ग्रह के इंटेलिजेंट जंतुओं ने बनाया है। चांद पर जितने बार भी मिशन्स हुए उन सब से हमें इसके बारे में बहुत कम जानने को मिला है। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी एक अजीब तरीके से एक्ट करती है। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति को समझने के लिए कई मिशन्स किए गए, पर आज तक किसी को इसकी पूरी सच्चाई पता नहीं चली है। चांद का साइज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, किसी भी प्लेनेट का मून उससे छोटा होता है। ये बात तो सही है ओके, पर एक्चुअली मून उसके ग्रह के हिसाब से बहुत छोटा होना चाहिए, मतलब चांद जो है वो धरती के कंपैरिजन में ज्यादा छोटा नहीं है। चांद धरती का 1/4 है, मतलब एक धरती पे 4 चांद समा जाएंगे। पर अगर आप बाकी ग्रहों से इसे कंपेयर करो, जुपिटर को ही ले लो, जुपिटर के बहुत सारे चांद हैं, पर उसके सारे चांद उसके 1/88 साइज से भी कम है, मतलब जुपिटर का चांद जुपिटर से 88 गुना ज्यादा छोटा है। एक जुपिटर में 88 मून समा जाएंगे, मतलब उसका चांद बहुत बहुत छोटा है, और साइंटिफिकली होना भी चाहिए। पर देखा जाए तो धरती का मून बाकियों से बहुत बड़ा ही है। धरती के साइज के आसपास के साइज वाले जो प्लैनेट्स हैं, जैसे मर्क्यूरी और वेनस, इन सब का तो कोई चांद ही नहीं है। पर धरती को देख लो और इसके मून को देख लो, धरती से सिर्फ 4 ही गुना ज्यादा छोटा है। ये इसे एक बहुत बड़ा रहस्य बनाता है, मतलब चांद का साइज और भी ज्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं तो ये होना ही नहीं चाहिए, इसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। नासा के एक साइंटिस्ट रॉबिन ब्रिट ने कहा था कि चांद के होने से ज्यादा चांद के नहीं होने को समझाना ज्यादा आसान है, और इन्हीं सब चीजों के चलते साइंटिस्ट्स का शक और भी बढ़ जाता है कि चांद कहीं बनाया गया आर्टिफिशियल बॉडी तो नहीं। चांद का सर्कुलर ऑर्बिट ये भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। चांद धरती के चारों तरफ एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। इस सौर मंडल में जितने भी बॉडीज
किसी एक बॉडी का चक्कर लगा रहा है वो कभी परफेक्ट सर्कुलर नहीं होता, इलिप्टिकल होता है। पर चांद का ऑर्बिट एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट है। चांद धरती को बहुत हद तक कंट्रोल करता है, ये धरती के घूमने को स्टेबलाइज करता है, यानी उसे जैसा होना चाहिए वैसा रखता है। अगर चांद नहीं होता तो हमारे धरती का जो एक्सिस है वो और भी ज्यादा झुक जाता। सूरज की लाइट धरती पे डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है, मतलब धरती के इस जगह पे। अगर चांद नहीं होता तो धरती की एक्सिस ऐसी हो जाती, जो सूरज की लाइट है वो डायरेक्टली इक्वेटर के बदले पोल्स पे पड़ती, नॉर्थ पोल पे। इस चेंज के चलते धरती पे आज जो मौसम बनी रहती है वो पूरी तरह से बदल जाती। ये अजीब इसलिए है क्योंकि मून जिस हद तक धरती को कंट्रोल करता है वो कुछ ज्यादा ही है। हमारे सौर मंडल में किसी भी और प्लेनेट का मून अपने प्लेनेट को यानी ग्रह को उस हद तक कंट्रोल नहीं करता जितना हमारा चांद धरती को करता है। चांद का होना, चांद का साइज, चांद कैसे बना, चांद धरती के चारों ओर एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे घूमता है, चांद धरती को इतने हद तक कंट्रोल कैसे कर लेता है, इन सब क्वेश्चंस का आंसर, इन सब प्रश्नों का उत्तर विज्ञान को अभी तक नहीं मिला। और इन सब प्रश्नों का उत्तर न होने के चलते कई वैज्ञानिक भी ये मानने लगे हैं कि चांद को दूसरे ग्रहों के जंतुओं ने बनाया है। कई विचारकों का तो ये भी मानना है कि धरती पे जिंदगी को संभव करने के लिए एलियंस ने चांद को बनाया और वो इसे बना के अपने सौर मंडल में वापस चले गए, और वो बीच बीच में अपने क्रिएशन यानी अपने निर्माण को देखने वापस आते हैं। अपोलो 11 के मिशन में नील आर्मस्ट्रांग और उनके क्रू मेंबर्स ने कई अंतरिक्ष यानों को देखा था। उन्होंने खुद कहा था कि उनकी स्पेसशिप को वो लोग ट्रेस कर रहे थे, कोई उनका पीछा कर रहा था। और लोगों का ये भी मानना है कि नासा ने आज तक इस घटना को डिटेल में एक्सपोज नहीं किया। जब वो मून पे लैंड कर रहे थे तब 2 मिनट के लिए उनका कनेक्शन धरती पे मौजूद कंट्रोल रूम से टूट गया था। बीच बीच में सिग्नल्स ब्लॉक हो रहे थे और कोई दूसरी अननोन सिग्नल आ जा रही थी। इसरो और नासा भविष्य में और भी कई चांद पे जाने के मिशंस को प्लान कर रही है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि ये ऑर्गेनाइजेशंस चांद की इन गुत्थियों को सुलझा दे। क्या आपको लगता है कि चांद को एलियंस ने बनाया था? नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना ताकि नए वीडियोस आप सबसे पहले देख पाए।